सो हेलो गाइस, क्या चल रहा है। स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। राजू बना चुके फैक्ट्री में, सोलो स्क्वाड में खेला था और देखना आज के पूरे दिन ना मैंने काफी अटपटे कॉम्बो यूज करे, मतलब यूनिक ही सिंपल सादे इंसान की तरह एक केएम या फिर एक कार 98 मतलब असॉल्ट राइफल या फिर स्नाइपर लेके मस्त राजी हूं। नहीं, बहुत ही अजीब कॉम्बो यूज करा, तो मैं मजा आएगा देखने में। कुछ में मैं हारा हूं, ज्यादातर हारा हूं, लेकिन कुछ में जीता भी हूं। अब ये मुझे बंदा दिखा और देखना अनफेयर देखना तुम बस। चार शॉटगन भाई, मजाक हो रहा है। अपने चिक्कू भैया जी को यहाँ पे मैंने नॉक करा, पूरा फिनिश मैं इसको करने जाता हूँ। और आप लोग मिनी मैप में अगर देख पा रहे हो तो देखो एक फुटस्टेप हो रहा है। अरे सुन लो जरा, तुम सुनो तभी तुम्हें विश्वास होएगा। अब तो अच्छी तरह समझ के होंगे। अब देखो इस वाले मैच में मैंने बताया ना फटे कॉम्बो यूज करेंगे, मैंने सोचा था मतलब सारे मैचेस में, तो मैंने सोचा क्यों ना एस्टल के प्लस ये ठाठा वाली शॉटगन यूज करते हैं, मस्त कॉम्बो हो जाएगा एस्टल के। मतलब ठाठा वाली शॉटगन की दो गोली नहीं लगी तो एस्टल की मदद कर देगी। लेकिन अब यहाँ पे ये जो बंदा था ना, ये भागने का सोचता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, वो देखो सामने भाग के जा रहा, मतलब भाई। और इस पास देखो मेरे कार 98 देख ली और बस यहीं मैं पिघल गया कि भाई ये कॉम्बो छोड़ना पड़ेगा अगर कार 98 मुझे मिल गई तो। और इसे देखो पता ही नहीं है। हेलो सर, अब ये वाला कॉम्बो तो मैंने रिजेक्ट कर दिया भाई, क्योंकि कार 98 मुझे उठानी पड़ेगी। देखो मैच स्टार्ट ही हुआ है, मेरे को कार 98 मिल चुके हैं, बहुत बढ़िया बात है। देखो बीच बाच में मिलेगा अभी तो छोड़ भी दो कि चलो मैच खत्म होने वाला है, लेकिन नहीं भाई, मिल गई है कार 98 बिल्कुल स्टार्टिंग में, उठानी पड़ेगी। और ये भी एक तरह से अटपटा कॉम्बो है भाई, एस्टल के प्लस क्या बोला मैं, एस्टल के प्लस कार 98, कोई असॉल्ट राइफल नहीं है, मिड रेंज में जरूरी थोड़ी भाई, कार 98 से हमेशा ही तुम मार दोगे ना, जरूरी थोड़ी ना, कभी कभी शॉट मिस भी हो जाते हैं। तो हाँ जरूर, क्या बोला मैं, रिस्क तो है, दो तीन बंदे एक साथ आगे तो दिक्कत हो जाएगी। खैर जो भी वो बात की बात है, गाड़ी मैंने पकड़ी और गाड़ी लेके मैं यहाँ पे जंक यार्ड में जंक ढूंढने, और ये सामने मुझे दो जंक दिखे। यप, और ये बंदे जा कर रहे थे भाई, इतने थे दोनों बंदे रेस लगा रहे थे कि मैं पहुंचूंगा। खैर अभी दोनों के दोनों रुक जाते हैं क्योंकि मैं आ चुका हूं। सोलो प्लेयर को कौन नहीं मारना चाहेगा यार, अकेले बंदे को हर कोई लपेटता है, लेकिन कोई नहीं, इस बार अकेला बंदा कुछ नहीं करेगा। मारने का चाहा मैंने, लेकिन वही है ना, शूट करा गोली नहीं निकली, इस बार निकली लेकिन एम गलत निकला। इस बार भी शूट करना चाहा नहीं निकला, ये निकला निकली बंद करो यार, इस बंदे को लपेटेंगे अब। हाँ इसको मैंने पूरा फिनिश कर दिया, और समझ गए ना आप लोग, नॉर्मल एस्टल के प्लेयर्स की तरह मैं एस्टल के यूज़ नहीं करूँगा कि हाँ बंदे आए दो छापो मर गए, वो अलग बात है, मुझे तो चार ही छापनी पड़ती है, लेकिन ऐसे यूज़ नहीं करूँगा मैं। पहले कार 98 से कुछ डैमेज देने का ट्राई करूँगा और फिर एस्टल किस मारेंगे। ये थोड़ा सा टिपिकल, मतलब थोड़ा सा तो मुश्किल हो ही जाएगा ना, इतना आसान नहीं होगा असॉल्ट राइफल वाले बंदे को मारने में, क्या पता कार 98 छपे ही ना इतने में लपेट जाए। इट्स ओके, खैर जो भी, मैंने सोचा हेडशॉट ही मारेंगे ना सीधा, फालतू में काय को एस्टल के चलानी। लेकिन ये बंदा अभी शक्ल नहीं दिखा रहा था, पर कुछ देर बाद दिखाता शक्ल, ये देखो। अब तुम्हें भी लग रहा होगा ये हेडशॉट था, मुझे भी यही लगा था, और इस बार गोली निकली, लेकिन हेडशॉट था, पर मैं क्या ही बताऊं, वो ना दिख रहा था यहाँ से कि हाँ बंदा कवर में नहीं है, लेकिन एक्चुअली वो कवर में था, वो अलग बात है, उसकी गोली मेरे लग रही है, मतलब वो कवर में है फिर भी उसकी गोली लग रही है, हद हो गया यार। मैंने सोचा भाई क्लोज रेंज में जाएंगे, कार 98 वगैरह छापेंगे और ऐसे मारेंगे इसको, क्योंकि क्या ही बताऊं। इस बंदे को मैंने यहाँ पे मार दिया, इनके तीसरे चौथे बंदे का कोई पता नहीं था। और मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे मैं कुछ मतलब डेथ हाइलाइट्स डालता रहता हूँ, मतलब जब मैं अक्सर मारा जाता हूँ, किस तरह से मारा जाता हूँ, अक्सर मैं बड़े ही अजीब तरीके से मारा जाता हूँ, तो जाके देखना यार आपको मजा आएगा। शायद डिस्क्रिप्शन में अपनी फेसबुक आईडी का लिंक दे रखा होगा, वो ऑफिशियल फेसबुक पेज है, उसके अलावा सारे स्कैम है, तो आप लोग फॉलो कर सकते हैं। खैर ये रहा एक स्कैम, इसको भी उड़ाना पड़ेगा मेरे को, और बस एक बार अपनी शक्ल दिखा दे, 1 2 3। चलो इस बंदे को नॉक करा और देखना डैश से मैं कुछ फायदे आपको बताने वाला हूँ, तो मैं खुश दिख जाएंगे। अगर मेरे पास यूएस होती ना तो मेरे को घुमा के जाना पड़ता गाड़ी को, थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाता, लेकिन डैश है तो भाई कति फ्लेक्सिबल, मतलब कुछ और बड़ी यूज करना चाहिए था मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। अब देखो इसके ऊपर टीममेट्स होते हैं 2-3 जो कि रिवाइव कर रहे होते हैं, आप लोग जरा सुनिए माहौल सुनिए। अब क्योंकि स्मोक ग्रेनेड जो अभी फेंके गया, मतलब रिवाइव भी अभी चल रहा होगा, ये बंदे सो रहे थे कि अपने टीममेट को रिवाइव नहीं करा, तो मैंने मोली फेंकी और ये काम आती है। ये देखिए बहुत बुरा लगता है यार, जब मतलब बंदे हमें दो एस्टल के में निपटा जाते हैं, हमने 5 मार दी तो भी बंदा मरने को नहीं हो रहा। खैर जो भी, इसको पूरा फिनिश करने का समय आ चुका है, तो बाय। चलो इसको फिनिश करा, लेकिन इसका टीममेट आता है एक और, और यहाँ पे भी मैं कार राइडर से मार तो सकता था, लेकिन मेरी हेल्थ देखो आ रही थी, क्या पता नहीं लगता तो मैं पक्का ही मारा जाता, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। खैर जो भी हो, टाइम आ चुका था यहाँ से निकलने का, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ सुनाना चाहूंगा, सुनो। ये देखो विलेज की तरफ से गनशॉट की आवाज है ना, एक केएम की गनशॉट की आवाज पक्का विलेज की तरफ से आई थी, मैंने मिनी मैप में भी देख लिया। तो देखो पहले तो मैंने यहाँ से ओपन करा, मतलब मैं श्योर नहीं था, फिर मैंने यहाँ का देखा तो मुझे क्या बोला दिखा, गाड़ी फूटी पड़ी है, मतलब कुछ तो सीन है भाई यहाँ, जरूर कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो मैंने गाड़ी ली, मैं क्या इन्वेस्टिगेशन कर रहा है कि क्या सीन चल रहा है, और यहाँ मैंने एक बंदा देखा जो कि
कतई दबे पाऊं, बिल्कुल मेरी गाड़ी के साइड से निकला और देखो पीछे से थोड़ा सा मारने का भी ट्राई करता, और मैंने देखा कि उस तरफ निकल रहा, तो मैंने सोचा गाड़ी चलाता, लेकिन फिर मैंने देखा तो यहीं से बिल्कुल मेरे सामने से ही आ रहा था। लेट्स गो, क्या ही करा रहा शॉट, इसी स्पीड के साथ तुम लोग भी सब्सक्राइब कर दो नीचे जाके, जाओ अभी इसको पहले पूरा फिनिश कर दें यार। और ये अपने भाई निकलते हैं भाई, मतलब इसके पास भी देखो एस्टल के थी, सोचो मेरे पास कार 98 नहीं होती तो मेरे पास एस्टल के ना, डरना किस लिए, मार देता तभी मैं इसको। खैर जो भी, गाड़ी पकड़ी और क्या ही पकड़ो यार, छोड़नी पड़ेगी क्योंकि फ्यूल था इसमें, लेकिन कैसे छोड़ दे यार, थोड़ी आगे तक तो ले ही जाएगी। तो मैंने यहाँ तक इसको ले जाने का ट्राई करा और यहाँ पे आके दासिया बोली कि सर उतर जाओ और नहीं होएगा मेरे से, नहीं झेला जाएगा। लेकिन तभी मैंने देखा सामने के मिरांडो दिखते हैं मुझे, परफेक्ट बॉडी शॉट था ये, पर उस बंदे को कुछ भी डैमेज नहीं किया, डैमेज रजिस्टर ही नहीं हुआ था ना, आप लोगों ने देख लिया होगा। खैर जो भी, आखिर तक मैंने मारने का ट्राई करा और मुझे तो लग नहीं रहा था ये बंदा यहाँ तक रुक गया। और मेरे मन में ये सवाल भी था कि भाई इतनी सही मिरांडो थी तू लेके क्यों नहीं गया, पैदल काहे को जा रहा था, लेकिन कोई नहीं इसके जवाब मुझे बाद में मिलेंगे। मैं इस तरफ आया और वो बंदा मुझे वहीं लटका दिखता है, लटका नहीं लेटा पड़ा, और इस बार हेडशॉट मारना पड़ेगा क्योंकि पिछले वाला पता नहीं क्यों हेडशॉट नहीं लगा यार, मेरे ख्याल से बिल्कुल हेडशॉट था वो, कि उसकी छाती पे तो लग नहीं सकता, पूरा हेड दिख रहा था। खैर जो भी, मुझे मेरे सवालों के जवाब मिलने वाले, मतलब इसकी मिरांडो देखना चाह रहा था मैं कि मिरांडो लेके क्यों नहीं गया, और देख लो बस पलटा रखी कभी बुरी वाली। मैं भी सोच रहा है मैं कैसे जाऊंगा जोन में, जोन भी आने वाला है, पर कोई बात इसको मानना था। लेकिन इसके कुछ साथी आते हैं यहाँ पे, कुछ नहीं एक साथी आता है, और इस बंदे के क्रेट में मुझे इतना तगड़ा माल मिलता है ना, देखो जरा देखो भाई साहब, दो दो फ्लेयर थे इस बार, कभी कभी होता है ना कि एक के दो बन जाते हैं, मतलब वो ग्लिच होता है, लेकिन नहीं इस बार सच में दो दो फ्लेयर थी। तो मैंने पकड़ी गाड़ी, मैं आया जोन में, स्टेडियम में था जोन, दोनों फ्लेयर मैंने चला दी। सुनो आवाज, अब सुनानी पड़ती यार ये आवाज़, क्योंकि सच में सेटिस्फाइंग आवाज़ है, मजा आता है वाली आवाज़ सुनने में, जैसे कोई खिलौना नहीं चला देते बच्चों का ऐसा था ये। खैर जो भी, कुछ देर बाद मेरा ड्रॉप भी आ चुका था, सामने फाइट वगैरह हो रही थी लेकिन मुझे कोई किल ही नहीं मिल पाता यहाँ पे, मैं लूटा ड्रॉप मुझे यहाँ से ओम ही ओम मिलती है, एक भी ड्रॉप में MK40 नहीं थी, और ये पीछे एक मीटअप वाला बंदा भी आ चुका था। अब मैंने इस बंदे से थोड़ा हाई हेलो का और मैंने कहा भाई थोड़ी देर में बात करते हैं, क्योंकि देखो अभी मैंने जितने किल्स निकाल लेना उतना बढ़िया रहेगा, क्योंकि बिल्कुल एंड फाइट होने वाली है, इसलिए मैंने थोड़ी देर भाई से कहा कि कंट्रोल रखा है, थोड़ी देर बस सेफ रहो, मैं ऊपर फाइट वगैरह लेता हूँ। देखो मैंने स्कोप इन करूँ, क्योंकि वहाँ मुझे मतलब बंदे हो सकते हैं ना, सरकारी ड्रॉप आ रखा है, लेकिन नहीं बंदे ऊपर हिल की तरफ होते हैं। मैंने स्कोप इन करा और एक मुझे दिखता बंदा, और ये मीटअप वाला बंदा भी मान नहीं रहा यार, ओम पे ओम पटाई पट छाप पे जा रहे हैं, यूं नहीं किल दे दे थोड़े बहुत, पर कोई बात नहीं यार उसको भी किल चाहिए। खैर जो भी हो, वहाँ पे मैंने देखा एक डाश आ चुकी इस तरफ, लेकिन फिर भी मैं वो किल से क्योर करना चाह रहा था। अब ये बंदा आया इस तरफ और देखना मैं शॉट मारने गया लेकिन गोली नहीं निकली, जरा देखना आप लोग, मैं पागल तो नहीं यार ऐसी स्कोपिंग करके रह जाऊंगा, यहाँ से डैमेज दिया मैंने, थोड़ा बहुत डैमेज आता है, लेकिन आना तो इसको घूम के इस तरफ ही है। ये वाला बंदा भी मारा जाता है यहाँ पे, एक बार किल में सोच रहा था इसका टीममेट ना हो, कभी इसको मारने के बाद वो भी मेरे को ना लपेटने लग जाए, पर नहीं। अब देखो वहाँ पे वो जो बंदा मैंने नॉक करा था ना, उसका किल मुझे मिल जाता है, और कुछ देर बाद ये जो बंदा होता है ना ऊपर मीटअप वाला, भाई सारे किल ले जाता है, मैं बता रहा हूँ, एक दो बंदे यही लपेट जाता है। तो अब इसी से बात करनी थी, मैं गया बात करने को, सुनना आप लोग। हाँ भैया मैं ही हूँ। इस बंदे ने जैसे ही पैन उठाया ना, मैं क्या बताऊँ भाई, कॉन्फिडेंस सा गिर गया मेरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था ये वाला मैच हारना, हो सकता है मैं भी जीत जाऊँ पैन फाइट, लेकिन मैं रिस्क ही नहीं लेना चाहता इस बार, क्योंकि मुझे जीतना था भाई कुछ भी करके, क्योंकि सुबह से हार रहा था मैं अटपटे चैलेंजेस करके, लेकिन ये बंदा एंड में पैन फाइट की ही बोलता है। और मेरे दोस्तों कर लेते हैं किचन डिनर, काफी कमाल का गया वाला मैच, और इस वाला मैच में आता पायलट प्लस हमें, और अब देखना होगा कि मैं कौन सा अटपटा कॉम्बो यूज करता हूँ, लेकिन मेरे साथ एक स्क्वाड भी आई है, जरा सुनो गौर से। आ रही होगी ना आप लोगों को गन शॉट्स की आवाज़, तो मुझे गन चाहिए थी, मुझे स्कारल मिल चुकी थी, लेकिन फिर मैंने देखा यहाँ पे एस्टल के है, तो मैंने सोचा चलो एस्टल के मिल रखी है एस्टल के चलाएंगे, लेकिन फिर मैंने यहाँ पे देखा दो दो एस्टल के, तो मैंने सोचा भाई इसी को अटपटा कॉम्बो बनाते हैं, दो दो एस्टल के यूज़ करेंगे, और कसम से ये तुम्हें लग रहा होगा बहुत कमाल का कॉम्बो है, लेकिन नहीं बहुत रिस्की कॉम्बो है ये, क्योंकि मिड रेंज में तुम कुछ कर नहीं सकते, यहाँ से तुमने एक बंदा नॉक करा तुम्हें पास ही जाना पड़ेगा, गाड़ी नहीं हुई तो अलग सा रिस्क, मैं बता रहा ना मैंने, और ये भी रिस्क है भाई, गोली नहीं लगती कभी कभी कसम से, एम बिगड़ जाता है, एक बार बिगड़ा तो समझ लो पूरा एम बिगड़ ही जाएगा, लेकिन कुछ भी करके एक बंदे को नॉक कर दिया, दो तीन बंदे मेरे ऊपर चढ़ चुके थे, अब पक्का कोई ना कोई बंदा इस तरफ आएगा और कोई रिवाइव करेगा। और इस बार मैंने हड़बड़ी में नहीं चला, बिल्कुल आराम से एम करा, फिर मारा बंदे को, और इसकी बारी, अब तीनों बंदे कंट्रोल में आ चुके हैं, अब इनका चौथा बंदा आएगा या फिर नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने सोचा कोई चौथा बंदा अगर होगा भी तो आएगा जरूर, तो पहले एक को फिनिश करते जिससे उसके अंदर खौफ बने कि हाँ बाकी भी मारे जा सकते हैं, इसको फिनिश करा, और बस कुछ ही देर में एंट्री होने वाली चौथे बंदे की, सुनते रहना आप लोग गौर से कान लगा के।
और ये धुआं किस बात का कर रहा है इस बंदे ने, मुझे समझ नहीं आया। इसके सारे बंदे तो मैंने यहाँ लिटा रखे हैं, फालतू में वहां पे गया। और अब तुम्हें पता चलेगा मेरी एक कमी की, हाँ एस्ट्रल के जब मेरे से एम नहीं होता ना तो नहीं होता, मुझे वापस से रिलोड करनी पड़ती है और फिर मेरे को नई शुरुआत करनी पड़ती कि यहाँ बढ़िया एम करूंगा। देखना पता चलेगा अभी। देखा ना आप लोगों ने, ज्यादातर हड़बड़ी में चलाओगे ना एस्टल की तो भाई एम बिगड़ जाता है। कोई भी शॉटगन चलाओगे बिल्कुल आराम से समय लेकर एम करोगे ना तो हो जाएगा सही, लेकिन अगर सामने वाला अच्छा असॉल्ट रिंकल और तुमने ज्यादा समय ले लिया तो भाई तुम्हारी ले ली जाएगी। खैर जो भी हो, टाइम आ चुका था ऐसा निकल लेगा। गाड़ी पकड़ी मैंने और मैं जा रहा था सामने ड्रॉप, देख रहे हो सरकारी ड्रॉप, वहीं निकलने का मैं सोच रहा था, लेकिन रास्ते में ये ट्रिपल स्टोरी आई और यहाँ पे एक यूएस थी और एक बंदा भी दिखा। मैंने सोचा कुचल दूंगा लेकिन मैं असफल रहा। असफल होता है मेरे ख्याल से, है ना। खैर जो भी हो, ये बंदे देखो नीचे रहते ऊपर ही नहीं आते, शायद इनको पता चल गया था कि मेरे पास एस्टल के है। पर ये थ्रोएबल्स भी करते भाई, यू नहीं चुप बैठते, ना 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 थ्रोएबल जरूर फेंकते हैं। तो मैंने सोचा मैं भी नीचे पहुंच जाता वरना पेटी बन सकती है ऊपर। वो हो एक लोग यहाँ पे मैंने निकाल दिया लेकिन उनका एक टीममेट भी दोस्त तरफ, और मैंने देखा वहाँ पे पीछे मोली हो रखी है। मतलब देखो ये बंदा वहाँ तो मोली करेगा नहीं क्योंकि मैं तो इधर हूँ, तो मतलब पीछे कोई ना कोई और हो सकता है जितना मुझे लगता है। फिलहाल जो भी हो इसको देखेंगे पहले, आ जा। मुन्ने को यहाँ पे मैंने नॉक करा और मुझे देख रहा था कि भाई पीछे कोई बंदा है भी या फिर नहीं। यहाँ पे मैंने टिप पे लिया और जरा वो देखो दिख चुका था मुझे बंदा और मैंने नेट टॉस करा। जैसे नेट टॉस करने का ये बंदा देखो MK14 लेके इस तरफ आ चुका था। MK14 है भाई, वेस्ट ऑलमोस्ट मेरी खत्म हो रखी है तो आराम से फाइट लेंगे, लेकिन वो भी नेट करता है वहां से। और यहाँ पे वापस से पिंघलना पड़ेगा क्योंकि MK14 है भाई, ये गन मैं नहीं छोड़ सकता, उठानी पड़ेगी। और मैं बता दूँ ये वाला कॉम्बो और भी ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि MK14 थोड़ा बहुत मैं मिड रेंज में भी यूज़ कर सकता हूँ, मज़ा आएगा। डबल डिजिट किल के काफ़ी करीब तो हूँ मैं, 3 किल चाहिए बस। गाड़ी पकड़ी मैंने और मैं आता हूँ यहाँ पे अपार्टमेंट वाले इसी एरिया में वापस है, और मैंने देखा यहाँ पे एक बंदा है। कुचलना मैंने चाहा लेकिन एक ही बंदा था तो मैंने सोचा आराम से मारेंगे, पर नो पूरी पल्टन है गाइस इनके। और वो देखो एक बंदा उस तरफ जा रहा था, मतलब कति एक्सपेंड हो रहे थे। मैंने सोचा कोई नहीं भाई घर के अंदर ही फाइट लेंगे, दोनों क्लोज रेंज गन्स है मेरे पास तो बढ़िया रहेगा। मैंने नेट टॉस करा इधर फेंका लेकिन देखो कितनी तेजी से आ रहे थे मेरी तरफ ये। इस वाले बंदे को मारने का मैं सोच रहा था यार, लेवल 1 का हेलमेट है जिस पास क्योंकि MK14 से काफी डैमेज दे देता, लेकिन बाहर भाई तीनों ने लपेट लिया, बहुत बड़ी गलती करी मैंने। खैर जो भी, इस वाले मैच में आता मैं ओल्ड बेसिन में, ना 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 थर्ड हिल में आया था इस वाले मैच में, उतरती ठीक ठाक गन्स मेरे को मिल जाती हैं। और यहाँ बंदे आए हैं, सुना सकता हूँ मैं तुम्हें, गनशॉट और फुटस्टेप दोनों की आवाज़ आ चुकी होगी और फुटस्टेप वाला बंदा मेरे ज़्यादा पास है, तभी तो उसकी आवाज़ आई है ना, आई तो गनशॉट की भी है। इस बंदे को फिनिश करने के बाद मैं निकलता हूँ आगे की तरफ जहाँ पे और बंदे थे, इस तरफ मैं आया। और अब आप लोग इन गोलियों की आवाज़ सुनना जरा, मतलब सब पता चलेगा तुम्हें कुछ। इन गनशॉट से पता चल रहा था कि भाई दो बंदे मस्त एक बंदे को लपेट रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे नेड़ फेंका और कसम से मैं हैरान हो गया भाई मरे कैसे नहीं, क्योंकि बिल्कुल वहीं पे वो फाइट ले रहे थे लेकिन शायद वो बिल्कुल एंड मोमेंट बिल्कुल जल्दी जल्दी पीछे चले गए। और अब देखना कितना गजब का कॉम्बो होगा, इतना अटपटा थोड़ा बहुत अटपटा होगा लेकिन सही है। देखो यूज ही थी यहाँ पास MP5 के भी 3 बंदों के पास और एक्सटेंडेड भी थे दो SMG के, तो मैंने सोचा भाई यही उठाते हैं, क्लोज रेंज में तो मजा आ जाएगा, MP5 की कमाल कर देगी और मिड रेंज में बस थोड़ा लैग कर जाऊंगा, पर कोई बात नहीं। देखो सामने इनका एक और टीममेट होता है, अब पता नहीं इनका टीममेट था फिर क्या सीन था, देखो मैं आपको दिखाता हूं वो भाग क्या रहा। और गजब का स्टार्ट मिल गया यार, कसम से बहुत ही सही जाने वाला है मैच ऐसा मुझे लग रहा था। मैं देखो गाड़ी पकड़ चुका था, मैं आ चुका था यहाँ सेंट्रल रोड में, गेम काफी आगे आ चुका है आप लोग देख सकते हो। यहाँ मुझे एक यूएस दिखी और फिर मुझे लगा बंदे हो सकते हैं, लेकिन ये मिरांडो संभल में नहीं आती भाई, इसके लिए बड़ा ही तगड़ा अल्ट्रा हैवी ड्राइवर चाहिए। खैर जो भी, मैंने इस घर में जाने का सोचा, एक डाशा भी है, मतलब बंदा कहाँ है, दो दो गाड़ी दिख गई और ये रहा भाई गुमसुम है, कतई गुमसुम है बंदा। और शायद से आप लोग मेरी तरह सोच रहे होंगे कि इस बंदे ने स्मोक क्यों करा, मतलब मैं अकेला ही तो था भाई इतना क्यों डर। मैं आपको बता दूं इस बंदे ने कुछ देख लिया था और वही चीज अब मैं देखने वाला हूं। अब यहाँ पे एक और टीम आ चुकी थी और ये वाले देखो इस घर में जा रहे थे, तो मुझे लगा यहां से मैं चकमा दे दूंगा, नेट टॉस करा मैंने और वो देखो डाश आई, मतलब एक और टीम है और एक टीम मेरे बिल्कुल पीछे।
अब यहाँ पे मेरे ख्याल से तीन टीम आ चुकी थी, मैंने सोचा वेयर हाउस वाले को लपेटते हैं। चलो बंदे पे एम करने जा रहा था मैं, और मुझे समझ नहीं आया भाई मेरी कौन सी उंगली लगी कि मैं नीचे धरती में जमीन में एम करने लग गया। क्या ही बताऊं यार, बहुत गलत मारा गया मैं। खैर जो भी, वाला मैच मतलब स्टेडियम में, और शुरुआत अच्छे से करी थी मैंने, तो मैंने सोचा शुरुआत भले से हुई है तो अंत भला भी करेंगे अपन, अंत भला तो सब भला, तो ये एक कमाल का मैच होने वाला है। मैं उतरता हूं स्टेडियम में, जैसे उतरा मेरे को MP5 करी है, टॉम भी मिल जाती है और एक साइड में बंदा निहत्ता बिल्कुल। इसको मैंने पूरा फिनिश करा, कुछ देर बाद मेरे को ये हेलमेट वगैरह सब कुछ मिल चुका था। और अब जरा फुटस्टेप सुनो, मतलब बंदे काफी यहाँ पे, जरा सुनो उन्हीं को हम ढूंढ रहे थे। और फाइनली बंदों को पता चल चुका था कि हाँ वो नीचे की तरफ ही है, मतलब फुटस्टेप से ही पता लगाया हमने। और यार दोनों बंदों को मेरा टीममेट ही लपेट गया। मैं सोचा यार ऐसे नहीं चलेगा, कवर फायर के नाम पे एक दो किल चोरी तो करने पड़ेंगे, लेकिन अब आखिरी बंदा है इसे मुझे कुछ भी करके मारना पड़ेगा। ऊपर से फुटस्टेप्स आए, मैं पहले ही ऊपर भाग गया। और मिशन सक्सेसफुल, इस बंदे को मैं मार देता हूँ, लेकिन अभी कुछ सक्सेसफुल नहीं है भाई, दो किल हुए हैं, मैच को जीत रहे हैं हम लोग को। गाड़ी हम लोगों ने साइड से निकाली और हम लोग जा रहे थे सिंह डेल्टा की तरफ ही, वहाँ पे लोग देख सकते हो हाँ एक ड्रॉप आ रहा था, फेलियर ड्रॉप, तो मैं सीधा सीधा जा रहा था। और ये मिरांडो ना भाई मेरे से कभी सीधी सीधी रुकती नहीं है, ठोकनी पड़ती है। और आप लोगों ने देखा मेरी हेल्थ कम नहीं हुई, टीममेट जैसे उतरा तब मेरी हेल्थ कम हुई भाई, अलग ही कनेक्शन था। और ये देखो पीछे स्क्वाड्स में बंदे हैं, और मेरा टीममेट देखो पीछे था, तो भाई बिल्कुल सही चांस था ऊपर जाके मेरे को बंदे मार देने चाहिए, लेकिन मेरा टीममेट भी कम नहीं था भाई, दूर से मोली फेंक देता है वो भी, जिससे मैं भी ना घुस पाऊं। बड़ी देरी कर दी मेरे टीममेट ने, इस बंदे को मैंने नॉक कर दिया, पूरा फिनिश करने को मैं हो रखा हूं और कर ही दिया भैया, हो क्या रखा हूं। खैर जो भी हो, मैंने सोचा अभी यहां से निकलते हैं, लेकिन मैंने देखा कि ये घर पे एक ड्रॉप रखा, मतलब बहुत बढ़िया, इसको हम भूल जाते, लेकिन हमने यहां पे नेट वगैरह टॉस करे, ड्रॉप नीचे आता, लूटा हमने, लेकिन एक घुसपैठिया भी आता बीच में। मेरा टीममेट इस किल को अपनी जेब में डालने ही वाला था, डाल ही दिया था, लेकिन मैंने अपना हाथ उसकी जेब में दिया, किल को निकाला और अपनी जेब में डाला। खैर अभी अच्छी तरह डालानी है क्योंकि बंदा नॉक्ड है, फिनिश नहीं हुआ है। क्या ही भयंकर युद्ध हो रहा था भाई उस तरफ, टीममेट को मैं सोच रहा था यार 2 सेकंड में रिवाइव करके वहां चला जाओ, लेकिन नहीं, पूरा टाइम दिया मैंने। और फिर मैं गाड़ी लेके नहीं, स्की पे आ चुका था भैया, गरीबी ओपी, यहाँ पे हमें स्की करी और मैंने देखा सामने बंदा है, तो मैं कवर में क्या, क्योंकि अगर मैं सीधे सीधे जाता तो शायद वो मार देता, तो मैंने सोचा घरों से होते होते फिर बंदों तक पहुंचेंगे, और यहाँ पे मैं पहुंचा। पूरा फिनिश करा मैंने, और आपको इसका टीममेट दिखाऊं, शायद आपको दिख गया होगा लेफ्ट में उसके फुटस्टेप की आवाज़ भी आई थी कूदने की, लेकिन मुझे पहले हील करना पड़ेगा, और वो बंदा मेरे टीममेट की तरफ निकल चुका है। अब मैंने सोचा इसको पूरा फिनिश भी कर देते हैं, लेकिन साइड से फुटस्टेप की आवाज़ आई, तो मैंने सोचा भाई इसको भी रिवाइव करने, तो मैं भी रिवाइव कर लेता हूं, पर नहीं, ये बंदा फाइट चाहता था, और मैं भी तो यही चाहता था भाई, बस मेरे टीममेट ने हेल्प करके रोक रखा था। यार जो भी, रिवाइव करा टीममेट को, और हम गाड़ी लेके आ रहे थे, देखो यहाँ हिल पे आ तो गए थे हम, रेड जोन था यहाँ पे, और यही होना था भाई। कुछ देर बाद मेरा टीममेट रेड जोन से नॉक हो जाता है, तो उसको रिवाइव वगैरह मैंने कर दिया, और फिर यहाँ पे बंदे होते, क्योंकि देखो फ्लेयर ड्रॉप था, गाड़ी थी, 104% बंदे होंगे, और देखो जोन वहाँ पे है नहीं, कुछ देर बाद जोन स्टार्ट होने वाला था, तो क्या बोला मैं, मुझे पता था उन बंदों को निकलना होगा जरूर यहाँ से। और कुछ देर बाद बंदे निकलते हैं कि चलो भाई टाइम आ चुका है यहाँ से निकलने का। चार पांच गोली लगती भी है, लेकिन मेरा टीममेट बाजी मारने वाला है यहाँ पे। जैसे मेरे टीममेट ने इसको नॉक करा, मैं स्कोपिन करे रखा है भाई, कुछ बंदे और मार लो, लेकिन नहीं, ये देखो साइड में एक नॉक पड़ा है, तो मैंने रश कर दिया, इससे पहले वो रिवाइव वगैरह कर दे, मैंने यहाँ पे रश कर दिया टीममेट को, मैंने किल सिक्योर कराया। उसका किल तो सिक्योर करा दिया, पर टीममेट को सिक्योर नहीं करा पाया मैं यहाँ पे, और ये भाई स्प्रे भी सिक्योर नहीं हो पा रहा है, बधाई पद्दू स्प्रे था, लेकिन इस बार नहीं छोड़ूंगा।
अब यहाँ पे मैं कुछ करके अगर मैं पहुंचने का ट्राई भी करता ना तो मुश्किल में अपने टीममेट को रिवाइव कर पाता क्योंकि बड़ी तेजी से ब्लीड आउट हो रहा था। तो मैंने सोचा अपने टीममेट का बदला ही लेते हैं, इस टीम को पूरा फिनिश करेंगे, आखिरी बंदे की बारी है और मैं अभी तक पास पहुंचा, अभी तक इनमें खौफ है, कोई भी रिवाइव करने नहीं लगा है। और चलो कोई नहीं भाई, हाई किल्स का गेम प्ले नहीं हो पाएगा लेकिन डबल डिजिट किल तो यहाँ पे हो ही जाता है, कोई बात नहीं। मैंने वापस एक गाड़ी पकड़ी और मैं आया यहाँ पे जोन में कती उड़ाते हुए गाड़ी को, और एक बंदा यहाँ पे मतलब एक बोट यहाँ पे बोट निकलता है, इसको मैंने मारा और वापस से देखो जोन बन चुका था कुछ देर बाद। तो मुझे जोन में खिसक रहा था, स्की करके मैं यहाँ पे आया और कुछ देर बाद वापस से जोन आने वाला है, आप लोग देख सकते हो। तो मैं कुछ देर यहीं पे रुकता हूँ, उसके बाद वापस से जोन में खिसकेंगे, भैया जोन तो अपना साथ देगा नहीं। मैं इस ब्रोकन वॉल के पास रुकता हूँ और तभी देखो पेड़ के सामने मुझे मूवमेंट दिखती है, एक बंदा होता है वहाँ पे, तो मैं एक स्मोक टोस्ट करता हूँ, वो डर जाएगा लेकिन उसने देखो क्या फेंका। लिटरली बहुत बाल बाल बचा मैं यहाँ पे, कहा इसको डराने का सोच रहा था, भाई ने मेरे को ही डरा दिया। वहां पे मुझे और स्मोक करने पड़ेंगे यार और फिर उससे फाइट लेंगे, उस पर टीपीपी है कवर उस पर पेड़ का। क्या लगता है आपको बच पाऊंगा यहाँ पे मैं, देखते हैं। शायद अब इस प्रो प्लेयर की आरपीजी चली नहीं रही या फिर एमो खत्म हो गए होंगे। एमओ के साथ साथ मैं भी यहाँ पे खत्म हो गया यार, नहीं करते क्रिश्चियन डिनर। आई होप सभी को आज की ये वाली वीडियो जरूर पसंद आएगी, जरा से मजा आता है, लाइक करके जरूर जाना, नीचे सब्सक्राइब का बटन लगा से दबा देना, फेसबुक पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मैं आपसे कल मिलूंगा, तब तक के लिए गुड बाय।